बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। परवरदिगार दी रहमतां बरकतां ते निमतां दे नाल अज्ज वीडियो दा आगाज़ करने आए जी। सफाइयां जिहड़ियां इन्ना चलदियां पईआं ने, मिस्त्री हाले तक उत्ते ही है लेकिन बाहर निकल गए हुए ने। इधर हुण अंदर वाला जिहड़ा ना काम इन्ना को खास मिस्त्री दा होर है कोई नहीं, दीवारां सारियां मुकम्मल हो गईआं। बाहर वाली दीवार भी जिहड़ी ना वो लग गई है, हुण सिर्फ और सिर्फ पिलर रह गए ने और वह दरवाजे मेन दे वह पिलर ते उहदे नाल जिहड़ा ना बीम वह लगना है। और उस तों बाद फिर कम जिहड़ा ना जी इस वारी सारा कंप्लीट हो जाएगा। और उस तों बाद फिर छोटा मोटा कोई है थोड़ा जिहा खाडे का काम कराने वाला मोटर तो थोड़ा जा जड़ा ना वो खड़ी जी बनानी है, मतलब निका जहा काम है। तो हम जड़ा ना जी आल टू आल सफाई करते पे हैं, जरा उतू मिसाला डिगद जरा साफ करते पे क्योंकि तो जम जाना थले। बेगम साहब जी झाड़ू मारती पी उधर और सारा कचरा कट्ठा किया है, वो वाला कचरा जरा ना चुक के ट्राले जी पा के ना रेड़ी जी बाहर सुटांगे और यह झाड़ू ना चंकी तरह जी ना चंकी टिका के सफाई कर देने ताकि मुड़ बाद पानी ना धोवे ना तो फर्क जो साफ निकल आएगा। सॉरी जी, सफाई करते पे ना तो उस टाइम वीडियो का स्टार्ट किया लेकिन ना फिर टाइम बड़ा ही शार्ट आ, तो इस वजह तो फिर जरा वीडियो नाल नाल बना नहीं सके। बेगम साहब जी ना इधर लग भी सी आंडी रोटी नू और मैं सफाइया करता रह गया, फिर पानी शानी भी जरा थोड़ा बहुत मारना हा फर्श नू करते रहे, इस वजह तो फिर जरा वीडियो बना ही नहीं सके। नाल ही खाना तैयार हो गया, फिर खाना खाने लग पे और खाना खा के हूँ जरा बेगम साहब बर्तन वगैरह जरा साफ करती पी है और बच्चे खा के अंदर चले गए ने, अपना टीवी शीवी वेखते पे ने और बेगम साहब जनाब इधर भांडे धोती जा रही है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? मैं दुआ करनी है मेरे बहन इतने हो गए, खुश हो गया, बाद हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह सी बिल्कुल ठीक ठाक है। ते हुन जी शाम दा वक्त है, बस ही खाना पानी जरा ना बच्चे ने खवा दिता है, आ भी खा लिया है, ते हुन जरा ना बर्तन धोंदी पे क्योंकि ना बर्तन साफ करके रखी देने, अगर रात में ऐसे बर्तन रख दिए ना तो फिर वो जरा सुबह अच्छे नहीं रहने ना धोने में फिर क्योंकि अक्सर एक बर्तन जरा अंदोता रखना जायज नहीं होता, इस वास्ते जरा ने खाए कितनी भी मजबूरी बने बर्तन में धोख रखनी है ना, छत पर बर्तन धो लगी है और उस तो बाद फिर जरा ना अंदर चार पाइया रहने हैं तो बच्चे ने जरा नहीं खरीद लिया। एक साडा मैना 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 है जड़ी मैना छोटी जी, ये मैना जड़ी है ना ये तंग करती रहती ना कर बस कर नो, इसको भी मुंह में नहीं डालते, वैसा बेटे छोड़ दो ना, नहीं मुंह में डालते। अच्छा जी वो माऊ इधर इधर माऊ आ गया, वो माऊ आ रहा, वो माऊ कह रहा है बोतल को छोड़ दो, ओए होए 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 बोतल को रख देते हैं जी इधर ताकि इसका हाथ ना पहुंचे, वो माऊ कह रहा है बोतल को नहीं छेड़ना अपने, फैजल ने अगर बोतल को छेड़ा ना तो मैं आ जाऊंगा फिर, ये अपनी कैप ले लो और अंदर चले जाओ, ये ऊपर वाली कैप, हाँ ये वाली, ये मुझे दे दो ये वाली कैप आप ले जाओ, हाँ ये ले जाओ आपकी है। हाँ तो इतने रखो है ना उत्ते है वेख ना, ए चलो जी सेफ होगी, वाह माशाल्लाह। ये मैं लगा देता हूँ बेटा, ये देखो इसको मैं लगा देता हूँ आगे, ये उसने जी उतारा हुआ था शावर के अगले वाला जो बर्तन होता है ना, ये मैंने रख दिया। ठीक है बेटा किधर गई? हाँ ठीक है, नहीं ये आपको चाहिए नहीं, ना 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 ये आपको मिलनी नहीं है, ये आपको मिलेगी, ये आप ले लो, वेरी गुड। और अंदर चले जाओ भाइयों के पास, हाँ भाई और बहन अंदर है ना तो उनके पास चले जाओ, शाबाश। और ऐसे जड़े मुड़े ना जी इन्हों किसी एक साइड से जमा कर देने ताकि खिलते हुए जड़े इन्हें जी अच्छे नहीं लग रहे, इन्हों इतें फिलहाल बाहर ला देने। और एक है फैजा का पीड़ा छोटा जहा, इन्हू भी जरा एक साइड से ला देने, चूल्हा फिलहाल इतनी पिया रहेगा, सुबह सुबह नाश्ता जरा ना बनाना वा। मैं हम सोचता पाया कि अल्लाह ताला ने लेंटर के पैसे देवेगा तो फिर लेंटर भी जरा ना वह भी पावे, जो अभी लेंटर पा लवेंगे ना लेंटर तो सा आलमोस्ट आ पूरे का पूरा मतलब उत्ते लेंटर आ जाना है, सिर्फ ए वाला सा वॉशिंग एरिया जरा ना ये वेंटिलेशन वास्ते उत्तों अभी जी जगन थोड़ी जी
ओपन एरिया रखना है, इथो असी ओपन बनानी है। लेकिन फिर साडा ए चूल्हा जिहड़ा है ना इस्तेमाल हो ही नहीं सकता, इहदा फिर इस्तेमाल असी छत जाके कर सकते हैं, फिर उदो करांगे जदों उत्ते भी अगर इहदे वास्ते कोई सायादार कोई चीज जिहड़ी है ना वह बनानी पैगी सानू, उत्ते जाके कोई कमरा टाइप या बरामदा टाइप कोई इस तरह की चीज जिहड़ी है ना वह उत्ते बनानी पैगी जदों असी ए चूल्हा अगर उत्ते लैके जावांगे, क्योंकि लैंटर के अंदर तो यह बल नहीं सकता, क्योंकि पूरा कमरा जरा पूरा घर जरा है ना वह तकरीबन बंद हो जाएगा लैंटर नाल, तो फिर ए आला जरा है ना वह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जारी गल यह किस्सा होएगा और इतने अगर असं इस्तेमाल करा तो यह तो साडा वाशिंग एरिया ने, इतने चूल्हा तो नहीं रख सकते और बाकी सारी की आल टोआल जी है ना वह उत्ते छत आ जानी, तो इस वजह तू भी यह काम जरा है ना वह फिर उत्ते ही जाएगा, तो फिर जो लैंटर पावे इंशाला उत्ते कोई थोड़ा बहुत जरा है ना हिसाब किताब लावे आरजी तौर पर बरामदा टैप या उत्ते जाके ना थोड़ा जहा उन्हों की कहने ने छप्पर जिमें असी पंजाबी कहने ना भी मतलब उस तरह का ओपन जहा छप्पर बनावांगे ताकि उत्थे असी चूल्हा ला सकी और बाजूकात असी उत्थे खाना पका सकी। गैस तो एक वैसे गवर्नमेंट वालों बैन है और दूसरे नंबर से कलोनी दे विच वैसे भी नहीं लग सकता, हाले तक कलोनी नूं भी बैन है कि कलोनी के अंदर गैस तुसी जिहड़ा ना देना ही नहीं, तो यह दो रीजन हैं साडा इत्थे गैस ना लगना, तो जदों फिर अला लवाएगा गैस या जदों बैन जिहड़ा है ना वह चुकया जाएगा तो फिर असी कोशिश करांगे गैस लवाण दी, फिर जदों गैस आ जाएगा वह तो फिर ठीक है, लेकिन जिहड़ा यह सिलेंडर है ना एलपी गैस जिहड़ा है बहुत महंगा है, बहुत ज्यादा महंगा है, यह तो बिल्कुल भी वारा नहीं खाता। मैं पिछले रमजान के कोशिश की है कि रमजान के पूरा जिहड़ा है ना गैस से ही सरोकार किया जाए, इस चूल्हे का इस्तेमाल घट किया जाए, यहाँ भी घट है काफ़ी इस्तेमाल घट किया तो गैस का किया, 5000 रुपए की गैस एक महीने के अंदर अंदर जी है ना वो असा चलाई है, लकड़ा लीए ना तो तकरीबन 1000-1500 की अगर असी लकड़ा लीए ना तो महीना आराम नाल गुजर जाता, तो इस वजह तू इहदा भी असी ऑप्शन रखांगे जो लंडर पावांगे सीढ़ी लगेगी तो सीढ़ी के उत्ते जाके तो आराम नाल उत्ते जाके ना असी हांडी रोटी की थी। हो गई सफाई सारी आल टुआल, चलो आ जाओ रोटी शोटी खा के ना सारे काम नबेड़ के बच्चे ना वो अंदर टीवी भी बेहद पे ने और असि आ गए 2 मिनट बाहर और असि जरा थोड़ी जी चहलकदमी करते पे भी थोड़ी देर रोटी जी खाधी है ना उस तो बाद फिर हजम जी है ना वो करनी होंगी क्योंकि शाम की रोटी लेट अगर खावी है ना तो फिर चहलकदमी लाजमी करनी चाहिए है और अगर थोड़ी जी टाइम नाल खा लीए तो फिर घर के काम कार करद चहलकदमी काफ़ी हो जाती है, तो इस वजह तो उस टाइम अगर तुम बाहर ना भी निकलो तो खैर है, लेकिन अगर लेट खाते हो तो उस तो बाद सिर्फ सौन वाला काम हो तो फिर चहलकदमी लाजमी करनी चाहिए है। साइंस भी कहती है, सुन हकीम डॉक्टर सारे कहते हैं कि शाम का खाना खाने तो बाद जरा ना कम अज़ कम 80 कदम जरा ना वो चलना चाहिए। बाहर की हवा भी काफी अच्छी लगती पी है, बेहतरीन मतलब माहौल है बाहर का, सारा दिन गर्मी होंगी है लेकिन निकलते ही कोई नहीं है जी, और उस तो बाद हम जरा निकले हैं बाहर भी, चलो थोड़ी देर जरा वर्कशॉप करने हैं जरा गपशप भी करने हैं, काफी सारे सू मशवरे आ रहे थे, मैं कमेंट पढ़ता पाया दसते पे कि भाई जी तुम बाहर उत्ते किचन के उत्ते गैलरी बनाई है ना वो एक छोटा जा रोशनदान रखवा लो, और वो हुण कमेंट आया मेरे को लेकिन वह रोशनदान जिहड़ा है ना जी वो मैं रखवा चुका हुआ, और उस तो बाद मेरे को कमेंट आ रहे सन कि जिहड़ा तुहाडा बाहर वाला वाशरूम है उहदे ते तुसी गैलरी बना लो, उहदी छत जिहड़ी है ना ना तोड़ो, छत इस तरह रहन दिओ और उहदे उत्ते गैलरी बना लो, काफ़ी सारी चीज़ां उत्थे तुहाडी जिहड़ी है ना कम आ सकदियां ने, ते मैं वह भी गैलरी भी बनवा ली है जी, वह भी मैं छत नहीं तोड़ी और उस गैलरी दे विच भी रोशनदान जिहड़ा ना बाहर वाली साइड तों रखवा दित्ता है, जिन्नी देर अगर वह समान दे काबिल नहीं जे समान उत्थे नहीं रखींदा ना उन्नी देर आजाद कबूतर जड़े आते हैं ना साढ़े को जंगली कबूतर या दूसरे कबूतर जड़े ना वो लिया के रखा, मेरा मकसद है मैं पिंजरे च बंद नहीं कर सकता किसी चीज़ को ना, मैं चाहना वा कि वह आजादी नाल रहन, मैं इसलिए परिंदे तोते कबूतर इस तरह की चीज़ा जी मैं नहीं रखता, वो रीज़न ये है कि तुम उन्होंने कैद करके रखते हो और कैद किसी भी चीज़ को करना मेरे हिसाब नाल कोई अकलमंदी नहीं है, तो इस वजह तो पिंजरे बनाने नालों बेहतर है कि तुम उन्होंने कोई इस तरह का माहौल बना दो, कोई इस तरह की चीज़ बना दो ताकि वह आज़ादी नाल रहन। साढ़े कोल परिंदे आते हैं जंगली कबूतर जड़े होंगे ना ब्लैक ब्लैक कबूतर सलेटी सलेटी कबूतर जरा जंगली कहते हैं वो वाला आंदा और वो वाला उत्ते जरा ना वो परलिया के घर के उत्ते बनेले ते अक्सर आके बहिंदा, तो मैं ये गैलरी जी है ना मैं सोच रहा है कि उन्होंने बाहर रोशनदान भी रखवा दिता है और वो खुला रहन देंगा और इधरों जरा ना अंदर वाली साइड तू दरवाज़ा भी रखवाया
उत्थे असी ना ग्रिल बना के ते ग्रिल का दरवाजा जरा ना वह बनवा के ला देंगे और वो उदे विच आजादी नाल रहणगे जो दिल करे वह किते जान दिल करे तो आके सौ जान बह जान खावन बच्चे कढ़न जो भी करन लेकिन आजादी नाल कोई उन्होंने रोकथाम नहीं होएगी कि उन्होंने पिंजरा खोलांगे तो वह आजादी नाल उड़नगे अगर पिंजरा नहीं खोलांगे तो नहीं जाएंगे ये काम जरा इन्हें नहीं करना ठीक नहीं है। किसी भी चीज ना कैद नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। हाँ बाकी कुछ चीजा जिम्मे कि मुर्गियां ने जिस तरह के भैंस है बकरियां ने इन्होंने जानवर का जो पालतू जानवर जो गिने जाते हैं या जो थोड़ी जरूरत भी पूरा करते हैं उन्होंने जानवर का अगर तुम करते हो तो वह एक अलग इशू है लेकिन इस तरह के परिंदा न कैद जरा ना वो मेरे हिसाब न नहीं करना चाहिए ठीक नहीं। हाँ जी हाँ बड़ी मेहरबानी साढ़े भैन भाई ने जो इन्ने इन्ने प्यारे प्यारे कमेंट जो करते हैं तो सू मशवरे देंगे ने असी भी इन्होंने चलने जी इन्होंने मशवर न जेडे मशवरे ने दते असी इनशाला उन्शाला किए ने क्योंकि मियाँ साहब मैंने हम सुना पे कमेंट दो तीन के इस तरह कमेंट आने तो मैं भी उस तरह ही किया सारा काम मैं बहुत अच्छा किया क्योंकि साढ़े भैन भाई ने और सा एक दूसरे दुख दर्द देना साथी ने जी और अपने पीछे अपना छोटा बंदा भी आ गया घर चैन नहीं आया होना तो फैजा नु जरा ना बिलाल चौक के लिया रहा भी रो रही होनी है। हाँ भाई बहुत रो रही थी मोबाइल भी नहीं ले रही थी और इधर तो मुझे ले चलो बस पापा के ओए ये देख गन्ना बच्चा है हैं पापा आता है फैजा तुम पारा बच्चा है अच्छा फिर रोते क्यों फिर रोते तो नहीं है पारे बच्चे आजर वाया है ऐसा का तो हर चीज पे नाम का यार लिया जा रहा ऐसा ना आ चुकी है बिलाल दाली नहीं आया किसी और नहीं आया तेरा बोल दी ओ इना बस अले ऐसा तो ना आया तो हर काम पे ऐसा तो ना फैजा फैजा तार किसने तोड़ी थी और मारती कौन है अच्छा डांटती कौन है और अब किसने मारा है और तुम बड़ी हो बड़ी कौन है ऐसा चल अच्छा चल अच्छा चल आज मेरे लिए मेरे लिए आना ऐसे उधर क्या मेरे तो उदास हो गए थे चले घर चलो आज बस होगी वॉक अच्छा चूड़ा वो उसको हाथ लगा रहा है और कह रहा है कि हुई गरम तो वो हंसती है करे आपसी घर आंदे पे ना जी मैं सोचता पाया सी कि इटा जड़ी है ना मैं मंगवाइया सी कि मेरी जड़ी है ना इटा पूरियां आ जानगियां लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इटा जड़ी है ना मेरी तकरीबन 2000 इट जड़ी है ना वो वध गई है तकरीबन सुबह साड़ी जड़ी है ना सिर्फ ए वाला जड़ा इट दा चट्ठा जिहा पिया है ना ए छोटा जड़ा थले नजर आंदा पिया सिर्फ इन्नी एक ही इट लगनी है क्योंकि पिलर जड़े ना उत्ते जाने ने साइडां तों इटा लगनी ने विच जड़ा ना इहदे कंक्रीट ब्रीन है विच मिसाला बना के ना बजरी वाला ते ओ उहनां नूं विच पाणा सरिया रख के ते इटा बारू बारू जड़ी है ना एक एक वार लगना मतलब इस तरह करके ना इस वजह तो सिर्फ इनिया की ही इटा लगनिया ने बाकी पिलर जड़े ना बन जाने ने और सिर्फ पिलर ही रह गए ने तो बाकी माशाल्लाह इट जड़ी है ना मेरी काफी सारी बच गई है 2000 तो भी शायद ज्यादा ही इट जड़ी है ना वो बच गई हुई है तो ये मेरे लेंडर च काम आएगी जो लेंडर पावगा ना तो उदो मेनू इटा नहीं लैनिया पैनगिया इटा मेरे को मौजूद हो सन लेंडर च काम आ जा सन और बच्चे भी जड़े ना जी घर पहुंच गए ने चलिए घर भाई चलो भी काका चलिए अल्हम्दुलिल्लाह हुण जदों घर वड़ी दा ना तो कुछ और तरीके की फीलिंग जिहड़ी है ना वो आंदी है पहले होर सी खुला जा वेरा दो कमरे सिर्फ नजर आंदे सी और हुण जिहड़ी है ना बिल्डिंग सारी जिहड़ी है ना तकरीबन बन गई हुई है ना तो हुण होर तरह की फीलिंग आंदी है इंशाल्लाह जदों ये सारा बन जाएगा लेंटर पै जाएगा सारे प्लस्तर वगैरह हो जाएगा अंदरू सारे जिहड़ा ना रंग रुंग हो जाएगा और उस तो बाद अंदर वाली सारी सैटिंग हो जाएगी फर्नीचर आ जाएंगे फर्श लग जाएगा फिर तो क्या ही बात है बेगम है भाई उस तो तक मेरा माना भी बद्दा हो जाची हाँ क्या करो है